बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। VFK मानी वाइब्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज एक वीडियो लेके आया हूँ। ये इनको का एंगल ग्राइंडर है। आज इसका रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ। आपको बताऊँगा कि ये कितना हैंडी टूल है और इसकी अंदर से शेप कैसी है, ग्रिप कैसी है, पकड़ने में किस तरह का है, मटेरियल किस तरह का यूज़ हुआ इसमें, और इसको इसकी प्राइस क्या है, और क्या ये रिकमेंडेड है या नहीं, क्या आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, और इसको चला के भी आपको तो बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें, बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूर याद रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। जी तो दोस्तों, पाकिस्तान में टूल्स इंडस्ट्री को लेके काफ़ी शॉर्टेज थी कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा, आप अक्सर आप खुद टूल्स वगैरह परचेज़ करना चाहते थे लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी के टूल्स नहीं मिलते थे। तो उस इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनको कंपनी, जो कि बेसिकली चाइना की कंपनी है, उसने अपने शोरूम्स, कुछ हेड ऑफिस, कुछ शोरूम्स पाकिस्तान में खोले हैं और अपने टूल्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवाएं मार्केट में। तो मैं खुद दिली तौर पे बहुत खुश हूँ कि ऐसी कंपनी पाकिस्तान में है जो अच्छे टूल्स प्रोवाइड कर रही है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं इनके इनके माशाल्लाह से हर एक टूल बड़ा ही ज़बरदस्त और बेहतरीन टूल है। मैंने खुद पर्सनली, मैं खुद ये टूल्स यूज़ कर रहा हूँ और मैं रिकमेंड करूँगा आप सबसे भी कि आप दूसरे नॉर्मल लोकल टूलों को छोड़ के आप इनको की तरफ आएँ, इनको इस्तेमाल करें, इनकी क्वालिटी, इनकी बिल्ड और इनके जो यूजेज है उसको ख़ुद एक्सपीरियंस करें, तो इंशाल्लाह आप खुद सेटिस्फाई होंगे। ये मेरे सामने एंगल ग्राइंडर है। इसकी 750 की वाट्स है, 750 वाट का ये एंगल ग्राइंडर है। तो जो भाई जैसे कि टाइलों का काम करते हैं या कोई इंडस्ट्रियल काम करते हैं या मैकेनिकल काम करते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन और माशाल्लाह से हैंडी प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी ये पैकिंग आप देख लें, पैकिंग में इसमें जो जो चीज़ें कंपनी ने दी हैं वो इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। एक तो आपको एंगल ग्राइंडर मिल जाता है, साथ इसके आपको की मिल जाती है इसकी, और स्पैनर जो है, और साथ इसके हैंडल आपको मिलेगा। तो इसको मैं भी अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपको। इसकी पैकिंग कुछ इस तरह की होती है। ये आपकी की आ गई साथ, माशाल्लाह इसकी भी फिनिशिंग आप देख लें, मैट ब्लैक में। और आपको देनी, जब आप एक अच्छा टूल हाथ में लेते हैं तो उसका वज़न और उसकी जो टच होती है वही आपको बता देती है कि कितना हैंडी है और कितना वो हमारी लोकल ज़बान में उसको नस्ली कहते हैं, कितना नस्ली टूल है वो। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन है देखने, काफ़ी हार्ड है ये, नहीं कि लो क्वालिटी का हो। इसके साथ आ जाता है इसका हैंडल, ये भी माशाल्लाह से अच्छे प्लास्टिक का और बहुत ही अच्छी ग्रिप है इसकी, अच्छा मटेरियल इसमें भी यूज़ हुआ है। ये इसका हैंडल आ जाता है साथ। और दोस्तों, ये इसका ग्राइंडर इस निकाल लेते हैं। इसके साथ इसका इन्होंने दिया हुआ है ये छोटा सा यूज़र मैनुअल होता है, वो दिया हुआ है साथ। तो ये जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, ये माशाल्लाह से इसकी जो ग्रिप है, ये इसकी ग्रिप ही माशाल्लाह से बता रही है कि एक बेहतरीन किस्म का प्रोडक्ट है। ये कंपनी का मोनोग्राम आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर, ये देख लें। और जो मटेरियल है ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। प्लास्टिक की जो बॉडी है इसकी, उसकी जो ग्रिप है और उसकी जो होल्ड है, उससे पता चल रहा है कि ये माशाल्लाह से कितनी एक पायदार चीज़ है। ये देखें, बहुत ही अच्छी इस पे फिनिशिंग है। मैंने काफ़ी लोकल भी यूज़ किए हैं ग्राइंडर, लेकिन इस तरह की ग्रिप नहीं है। इसकी ग्रिप जो है माशाल्लाह से डीवाल्ट कंपनी के जो टूल्स हैं या मिलवाकी के हैं, बिल्कुल उनकी जैसी फीलिंग आ रही है इसको इसकी। तो मैं अभी इसको चला के भी आपको बता देता हूँ।
जी दोस्तों, ये जो बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके लॉक का बटन है कि जब आप ब्लेड लगाते हैं तो इसको आप लॉक कर लें तो ऊपर से ब्लेड आपका जो है चूड़ी वगैरह खोलने में आसानी होगी आपको। और इसका जो ऑन और ऑफ़ का बटन है, ये इसका पीछे ऑन और ऑफ़ का बटन है। तो मैं इसको अभी चला के बता देता हूँ आपको। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा चीज़ है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग भी है, और साउंड से ही पता चल रहा है कि कितना क्वालिटी प्रोडक्ट है ये। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा जो है इनको को चांस दें। और ग्राइंडर अगर आपने लेना है तो आप सिर्फ इनको का ग्राइंडर ही लें, क्योंकि बहुत ही पायदार चीज़ है जी। तो दोस्तों, अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस 4,000 से लेके 5,000 के दरमियान आपको मिलेगी। दराज पे अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहें, दराज पे भी मौजूद है ये, 4,600 रुपये का दराज पे मौजूद है। अगर आप इनको के हेड ऑफिस लाहौर से लेना चाहें या रावलपिंडी से लेना चाहें तो वहाँ पे आपको तकरीबन 200 से 300 की कंसेशन मिल जाएगी। और अगर डायरेक्ट आप चाइना से मंगवाते हैं तो वहाँ से आपको ये और भी सस्ता मिल सकता है, लेकिन वो फिर वो डिलीवरी चार्जेस डाल के बात फिर वहीं पे आ जाती है। तो ये 4 से 5 हज़ार के दरमियान आपको मिल जाएगा, और नहायत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है इनको कंपनी का एंगल ग्राइंडर। मज़ीद इंशाल्लाह मज़ीद टूल्स का भी मैं रिव्यूज़ डालूँगा इनको के मज़ीद टूल्स। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे दें इजाज़त, अगले वीडियो तक फिर मान लिया।